नदौन के विधायक विजय अग्निहोत्री ने ग्राम पंचायत हडिट्टा के गांव में 2 लाख रुपए से निर्मित महिला मंडल भवन व गांव के ही प्रमुख रास्ते पर विधायक निधि से निर्मित पुली का उद्घाटन कर जनता को संबोधित किया। महिला मंडल के सदस्यों ने विधायक का पहुंचने पर शॉल व टोपी पहनाकर स्वागत किया। विधायक ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू चुनावों के नजदीक आते देख जनता को गुमराह करने के लिए जनता के झूठे हितैषी बन रहे हैं, जबकि पिछले 4.5 वर्ष तक उन्हें नदौन की जनता की याद तक नहीं आई। चुनाव हारने के पश्चात उन्होंने नदौन की तरफ मुड़कर नहीं देखा। सरकार का काम विकास को गति देना होता है, जबकि अपनी ही सरकार होते हुए नदौन में विकास कार्यों को करने की बजाय उन्होंने विकास में बाधा पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रदेश में जल्द ही प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी और नदौन में जो विकास को ग्रहण लगा है उस पर विराम लगेगा। इस अवसर पर मंडल महामंत्री पवन शर्मा, उपाध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर, पूर्व जिला परिषद सदस्य आशा शर्मा इत्यादि मौजूद रहे। जब वो आते हैं तो दो चीजें बड़ी ऐसे बोलते हैं कि एक तो बोलते हैं कि यहाँ के सेंट्रल स्कूल को बदलकेशन हो रहे हैं। मैं उनको इस मंच से और किसी भी मंच से मैं ये चैलेंज करता हूँ कि आप उसके बारे में एक भी लेटर, सेंशन लेटर हमें बताओ कि गलोड़ में कभी कोई सेंट्रल स्कूल सेंशन हुआ था। ऐसा अगर वो बता देंगे तो मैं उनकी बात मान जाऊंगा। यहाँ कुछ नहीं था, आप सब लोगों को गुमराह किया गया। जब स्मृति ईरानी HRD मिनिस्टर बनी, मैंने खुद अपने हाथों से लेटर लिखा कि मैंने कहा गलोड़ में जो प्रस्तावित सेंट्रल स्कूल है उसको जल्द से जल्द खोला जाए। उन्होंने कहा यहाँ कोई ऐसा प्रस्तावित नहीं है। मैंने विधानसभा में प्रदेश की सरकार को क्वेश्चन किया कि केंद्र जो सेंट्रल स्कूल ग्लोर में प्रस्तावित है उसकी क्या जीतन स्थिति है। उन्होंने जवाब दिया ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उसके बाद